गुड मॉर्निंग मम्मा। व्हाट इज दिस बिहेवियर फरिया? क्या हुआ है? सुबह उठते साथ तुम ऑफिस चली जाती है और वहां से तुम्हें जिम जाना होता है। घर आती नहीं हो कि क्लब का प्लान पहले होता है या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग का। यानी तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इससे तो बहुत अच्छा तुम यूएस में थी, एटलीस्ट दिन में एक बार तो तुमसे फेस टाइम पे शक्ल देख लेती थी। यहाँ तो इस वो भी देखने के लिए तरसती रहती है। तो आप कौन से इवनिंग्स में यहाँ पर होती हैं? आप भी तो बाहर होती हैं। अच्छा एनीवेज, आप प्लीज दुआ करें ना मेरी और अरसलान की जल्दी से शादी हो जाए, फिर आई स्वेयर हम तीनों इस घर में खूब मजे करेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं जॉब भी छोड़ दूंगी। फिर वही बात अरसलान, तुम्हारे दिमाग से ये अरसलान से शादी का भूत कब उतरेगा फरिया? एक से एक अच्छा रिश्ता आया हुआ तुम्हारा। लेकिन अरसलान से बेहतर कोई भी नहीं है, और वैसे भी अब मैं अपनी मंजिल से बहुत ज्यादा करीब हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मेरी सारी ख्वाहिशात हकीकत में बदलने वाली है। प्लीज आप परेशान ना हुआ करें। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, बाय। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो टूटा। इससे तो अच्छा था कि परवरदिगार मुझे उठा लेता। औलाद का दुख वालदैन के लिए जानलेवा होता है। और उसी की बातें मत करो, गुनाह होता है। ठीक है, हम अपने हिस्से की ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन लुबना की तो अभी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। तुम्हें इस तरह बातें करते सुनेगी तो दुख होगा उसे। घर पे होगी तो सुनेगी ना, चली गई है वो स्कूल। कह रही थी कि एक दिन भी घर नहीं बैठेगी। चलो जैसे उसकी मर्जी। वो सामिया की कोई खैर खबर? मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूं। बात हुई थी मेरी, ठीक है। आज मैं अरसलान के दफ्तर जाऊंगा और अपनी तरफ से सारी बात साफ कर दूंगा। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। आमीन।